तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ वंडरशेयर फिल्मोरा के 10 बहुत ही कमाल के फीचर्स, जो कि उन एडिटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके पास बहुत ही अच्छा कंप्यूटर नहीं है और वो फिल्मोरा की मदद से अपनी वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप फिल्मोरा पर वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपके पास लॉन्ग प्रोजेक्ट हो और आपका सिस्टम इस वजह से बहुत ही ज्यादा हैंग होने लग पड़े, तो फ्रेंड्स अगर आप इस इश्यू को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास जो इधर प्लेबैक वीडियो या आपके एडिटिंग का जो प्रीव्यू है, इसकी आपने क्वालिटी थोड़ी सी लो कर देनी है, जिसका आपके पास फाइनल आपकी वीडियो का रिजल्ट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने सिंपल इधर इस पीसी के आइकॉन पर क्लिक करना है और इधर से आपने प्लेबैक क्वालिटी में इधर आपके पास ये बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। अगर आपके पास अच्छी मशीन है तो आप इधर से इसको फुल कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद इसको रन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह प्ले होगी, और अगर आपके पास थोड़ी सी लो क्वालिटी की मशीन है तो आपने इधर से दोबारा पीसी पर जाना है और इधर से प्लेबैक क्वालिटी में से इधर से लो रेंज की कोई क्वालिटी चूज कर लेनी है। फॉर एग्जांपल, मैं इधर से 1/4 चूज करता हूं और इसके बाद अगर हम इसको दोबारा इधर से स्टार्ट से प्ले करें तो ये आप देख सकते हैं अब हमारे पास इस क्वालिटी में और पहले वाली क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपके पास इसी तरह हैंग हो रहा है तो आप इधर से 1/16 भी चूज कर सकते हैं, जो कि हमें सबसे लो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा और इससे आप अपनी वीडियो एडिटिंग भी इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आप साथ साथ में अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान किसी भी ट्रांजेक्शन को ऐड ना करें, जिसकी वजह से आपका सिस्टम बहुत ही ज्यादा हैंग होने लग पड़ता है। और जैसे ही आप अपनी एडिटिंग फिनिश कर लें उसके बाद आप ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप ऐड करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि हम फिल्मोरा में अपने ग्राफिक कार्ड को कैसे इनेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रेंडरिंग टाइम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और इसके अलावा आपके पास आपका सिस्टम भी बहुत ही कम हैंग होने लग पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने सिंपल इधर फाइल में जाना है और इधर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्रिफरेंसेस, आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है और इधर से आपने परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है और इधर ये आपके पास आ जाएगा जीपीयू एक्सेलरेशन, आपने इधर से इसको इनेबल कर देना है। तो इधर से जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स आ जाएंगे। तो मेरे केस में मेरे पास इधर कोई भी एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, इसलिए मेरे पास इधर किसी भी किस्म का ग्राफिक कार्ड नहीं आ रहा है। ये हमारे पास जो सिस्टम में बिल्ट इन हमारे पास ग्राफिक कार्ड है उसी को यूज करेगा। इसका भी हमारे पास बेनिफिट है, जो कि हमारे पास रेंडरिंग और प्लेबैक जो हमारे पास होता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देगा और इससे आप अपना बहुत सारा टाइम भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि हम हमारी वीडियो को हाई क्वालिटी में किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल इधर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स इधर से आपने सिंपल इधर सेटिंग्स पर क्लिक करना है और इधर ये आपके पास बाय डिफॉल्ट बेटर क्वालिटी इसकी चूज होती है, जो कि हमारे पास एक मीडियम क्वालिटी होती है। तो इधर से आपने इसको बेस्ट क्वालिटी पर कर देना है, जिसके बाद आपके पास आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा आपने इसका इधर से फ्रेम रेट भी चेंज करके 30 फ्रेम पर सेकंड कर देना है, जिसकी वजह से आपका फ्रेम रेट है जो वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपकी वीडियो पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी इमेज हमारे टाइमलाइन में इंपोर्ट करें तो उसको हम सिंपल 1 क्लिक से एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक इमेज है, इसको अगर मैं हमारी टाइमलाइन पर इस तरह ड्रैग करूं और इसके बाद अगर आप इधर से देखें तो ये हमारे पास इधर से भी ये थोड़ी सी खाली जगह है और इसके अलावा इधर से भी ये खाली जगह आ रही है, जिसको अगर हमने फिल करना है तो इसके लिए हमें इसको क्रॉप करना पड़ेगा। तो क्रॉप की मदद से हमें एडजस्ट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसके अलावा अगर आपने इसको सिंपल 1 क्लिक से एडजस्ट करना है तो आपने इधर से सिंपल राइट क्लिक करना है और इधर से आपने क्रॉप टू फिट पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास इस तरह आपकी फुल स्क्रीन पर आपकी इमेज एडजस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बाज़ूकात हमें हमारी ऑडियो को कहीं से फेड इन करना होता है, फेड आउट करना होता है, यानी कि हमारे पास हमारी ऑडियो एक जब हमारे पास स्टार्ट हो तो वो हमारे पास बहुत ही थोड़े वॉल्यूम से आस्ता आस्ता उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो, तो वो हमारे पास इस तरह स्टार्ट हो और इसी तरह वो हमारे पास एंड हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो आपने सिंपल इधर अपने ऑडियो पर जाना है तो आपके पास यहाँ पर एक वाइट डॉट आ जाएगा, जिस पर आप जैसे ही अपना कर्सर लेकर आएंगे तो आपके पास एरो इस शेप में आ जाएगा। तो इधर से आप इसको क्लिक करके जैसे ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास ऑडियो जितनी आप इसको फेड इन करना चाहते हैं तो आप इधर से फेड इन कर सकते हैं और इसी तरह इधर से आप इसको इस तरह फेड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो इधर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं फेड इन और फेड आउट के, इधर से आप इसको इजीली फेड इन और फेड आउट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं कि हम फिल्मोरा में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसको हम ऑटोमेटिक बैकअप किस तरह कर सकते हैं, जिसे हमें उसको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा और हमारे पास उस प्रोजेक्ट का ऑटोमेटिकली बैकअप एक क्रिएट होता जाएगा। और अगर हमारा फिल्मोरा किसी वजह से क्लोज भी हो जाता है तो हमारे पास जहाँ से हम उस बैकअप को एक्सेस करते हुए हमारी एडिटिंग को वहीं से कंटिन्यू कर सकें। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने इधर से फाइल में जाना है और इधर से आपने प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना है और इधर से आपने सेव पर क्लिक करना है। तो ये इधर आपके पास आ जाएगा बैकअप माय प्रोजेक्ट एवर। अगर आप इधर क्लिक करें तो ये इधर आपके पास मिनट्स आ जाते हैं कि आप कितनी देर बाद अपने प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली बैकअप करना चाहते हैं। तो इधर से हम 1 मिनट कर लेते हैं, जिसकी मदद से जैसे ही 1 मिनट होगा तो फिल्मोरा हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली बैकअप कर देगा और इसके बाद आपने सिंपल इधर ओके पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्विकली यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट्स फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम उस सॉफ्टवेयर को क्विकली यूज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने फिल्मोरा में किसी वीडियो या इमेज को स्प्लिट करना है तो इसके लिए आपको सिंपल इधर क्लिक करना होता है, आपकी वीडियो इस तरह स्प्लिट हो जाती है और इधर से आप इसको सिंपली इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह अगर हम बार बार इधर हमारा कर्सर लेकर आए हैं और इधर से स्प्लिट करें तो ये हमारे पास काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड में से सिंपल कंट्रोल भी इस तरह प्रेस करें तो ये आपके पास इस तरह स्प्लिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।